जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज ये जोड़ने का काम करने की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर हम अपने आपस में कहें तो तब भी है, पर मैं केवल अपने आपस की बात नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ पूरे समाज में कितना टूटा है हमारा समाज, इसलिए समाज की ताकत खत्म हो गई। बाबा कहते हैं महिलाएं समाज परिवर्तन की बागडोर अपने हाथ में लें, और वो देखो कस्तूरबा के जीवन में भी वही दिखता है। कभी जवाहर गांधी से नाराज होके जा रहा है तो कभी कोई दूसरा नेता जा रहा है, और बा बैठी है एक जगह पर, बाकी उस जगह पर तो सब जाते थे, बा प्रणाम, बा नमस्कार, बा सलाम वालेकुम, और बा अपने घुटने के पास उनको बिठा करके कहती थी, अरे तुम बुरे मत मानना, देखो हम सबको एक ही काम करना है, हम सबको इस देश को आजाद करना है। और वो छोटी सी दरार भी अगर पड़ी होगी तो वो सीमेंट हो जाती थी। वो सीमेंट होने की बात है बहनों और भाइयों, और आप दोनों से मैं कह रही हूं, सीमेंट बहुत दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा कोई बात नहीं, क्यों सोचते हो कि ऊपर आप ही जाओ, अरे नीचे रह करके कुछ तो करो। मुझे लगता है कस्तूरबा से लोगों को जोड़ने की ताकत, लोगों को साथ रहने की ताकत, रिश्तों को मजबूत बनाने की ताकत आज हमको बहुत चाहिए। केवल यहाँ ही नहीं, गांव गांव में चाहिए। मैं गांव में जा रही हूँ और मैं देखती हूँ इधर ताला लटका है, उधर ताला लटका है, उधर ताला लटका है, कहाँ गए भाई, चले गए, गांव छोड़ के चले गए। और जितने लोग हैं उनसे पूछा, आप चलते हो, थोड़ा बैठेंगे बात करेंगे, हाँ हाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, यहीं बैठेंगे, अरे नहीं नहीं उस उनके घर के पास बैठते, नहीं उनसे हम नहीं बोलते, हम वहां नहीं आएंगे। कितना टुकड़ा, खाली बस गांव है नाम का और लोग रह रहे हैं, लेकिन कोई ग्राम भावना नहीं है। तो इसलिए कितना जोड़ने का काम करने की जरूरत है, आपस में जुड़े रहेंगे तो सबको जोड़ सकेंगे, आपस में ही नहीं जुड़ेंगे तो फिर किसको क्या संदेश देंगे हम। तो कस्तूरबा से ये सीखना है कि कैसे नाराज लोगों को भी जोड़ सकती थी, वो रिश्तों को ऐसे जोड़ सकती थी, और वो मातृत्व की बड़ी ताकत है।